सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हो हमारा और आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में रियल के 21 के बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो एंड भैया जी आर्मी को ज्वाइन करो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यार, आप लोग सोच रहे होगे मेरी आवाज़ कैसे चेंज हो गई। तो गाइज यार, दो रात से हम सोए नहीं है, तो गाइज अभी मतलब आवाज़ अच्छे से वो पुरानी वाली तो आ नहीं रही। उससे पहले गाइज यार, हमारे एक भाई है एच आर हरीश गेमिंग आई मीन्स। तो गाइज यार, वो हमारे घर के बगल से ही है, तो उनके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। जो लोग कहते हैं कि भाई लाइव आया करो, तो भाई मैं उनके चैनल पर लाइव आया करूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइज यार, हमारा चैनल जो है भैया जी फैक्ट्स, तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि देखो यार, आप लोगों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स आने वाले एंड पबजी के फैक्ट्स आज आने वाले। तो गाइस यार, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एंड चैनल को सब जाके सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस यार, यहाँ पे रियल क्रिएट 21 पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, रियल क्रिएट 21 जो है ना, तो देखो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या होने क्या वाला है। तो गाइस यार, रियल क्रिएट 21 एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट गेम होने वाला है, लेकिन गाइस यार वो रियल क्रिएट 21 नहीं जो कि आने वाला है। गाइस यार, वो रियल क्रिएट 21 जो मिडिल में होगा, मतलब उसकी मिडिल एज में होगा। तो गाइस यार, रियल क्रिएट 21 का मिडिल होगा करीबन अगस्त से सितंबर के टाइम। एंड जी हाँ गाइस यार, मतलब जो इनके CEO है, मतलब ऑनर है जेट सिंथेसिस कंपनी के, उन्होंने कहा था कि हम रियल क्रिकेट को एक ई स्पोर्ट गेम बनाना चाहते हैं एंड ये सब कुछ होने वाला है हमारा T20 वर्ल्ड कप से पहले, जो कि करीबन अगस्त सितंबर में होने वाला है ऐसा कुछ। तो गाइस यार, तभी होने वाला है, तो गाइस तब आएगा ई स्पोर्ट। लेकिन गाइस यार, उससे पहले रियल क्रिकेट 21 जैसा कि शेड्यूल आ चुका है, तो शेड्यूल आ चुका है हमारा IPL का। तो IPL स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का 9 अप्रैल से गाइस यार, जो कि क्रिकेट का सबसे बड़ा सीजन माना जाता है, तो 9 अप्रैल को शुरू होगा। तो देखो गाइस यार, आप लोगों को 9 अप्रैल तक में आराम से देखने को मिल जाएगा रियल क्रिकेट 21 इजीली। गाइस यार, जस्ट 29 या 30 डेज जो भी मानना है मान लो, बेड इज ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो आप लोगों को मुश्किल से 15 दिन मुश्किल से गाइस यार वेट करना होगा, और मतलब इसकी लीक्स के लिए एंड इसकी जो न्यूजेस है उसके लिए 15 दिन से ज़्यादा का वेट मुझे नहीं लगता करना पड़ेगा। एंड गाइस यार, इसमें सबसे पहले आपको स्क्रीन शॉट देखने को मिलेगा, क्योंकि स्क्रीन शॉट ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको हो सकता है कि मतलब गेम लॉन्च होने के एक हफ्ते पहले ट्रेलर देखने को मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन पहले भी देखने को मिल जाए। तो अभी कुछ श्योर तो नहीं हो, लेकिन गेम रिलीज़ होने के 15 दिन पहले आपको इसकी लीक्स निकलना चालू हो जाएगा। एंड गाइस यार, अभी आप देखोगे यार, लगभग 3 महीने हो चुके हैं लास्ट अपडेट आए हुए। तो गाइस यार, जैसा कि उन्होंने बताया था 12 तारीख को उन्होंने रोल आउट कर दिया था, लेकिन कुछ इशू वगैरह मतलब जो भी है, तो फिर भी अगर उसको ना मिला तो 19 को जो अपडेट आया था उसको भी मिला है। तो गाइस यार, लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है 3 महीना, और एक महीना और एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो गाइस यार लगभग 4 महीना। गाइस यार, 4 महीने में 120 दिन के करीब करीब होते, उसमें से 20 संडे वगैरह जो इनकी छुट्टियां वो निकाल दो, तो अभी हमारा बचा 100 दिन में। गाइस यार, 100 दिन बहुत ज़्यादा होते, इतने में तो कोई भी कंपनी मतलब बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स बना सकती है। तो गाइस यार, अभी चलो इस पर बात करते हैं कि ये मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। तो गाइस यार, मैं बता दूँ, रियल क्रिकेट 21 जैसा कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ पे जो 1GB रैम है, गाइस 2GB रैम के फ़ोन को तो मतलब सह लेंगे, लेकिन 2GB रैम का जो मतलब 1GB रैम का जो फ़ोन है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, थोड़ा सा क्या बहुत हो सकता है। इसका नॉटलेस ने सोल्यूशन ये निकाला है कि जो स्टेडियम्स है ना गाइज, उसको डाउनलोडेबल कर देंगे। आप गाइज जो 1GB रैम वाले हैं रियल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो गाइज यार उनके लिए यही है कि मतलब भाई अगर आपको खेलना है तो उसका स्टेडियम 2 स्टेडियम के अंदर ही खेलना होगा। आप उससे ज़्यादा स्टेडियम में खेलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आप खेल ही ना पाओ, हो सकता है बहुत ज़्यादा हद तक लैग करे, एंड आपको लो क्वालिटी सेटिंग में खेलना पड़ेगा। तो गाइज यार, इसकी रिलीज डेट की तो फुल प्रोसेसिंग बात हो चुकी है। एंड गाइस यार, तो इस गेम में मैं आपको बता दूँ, मल्टीप्लेयर बेस्ड होने वाला है, लेकिन मल्टीप्लेयर से ज़्यादा इस बार ऑफलाइन फीचर में काम करने वाले हैं, लेकिन मल्टीप्लेयर बेस्ड काम जो है वो मेन आने वाला है सितंबर अक्टूबर के सीज़न में। एंड गाइस, अगर ई स्पोर्ट में आ गया, गाइस ये गेम अगर ई स्पोर्ट में आ गया तो धमाल होने वाला है, लाइक अ पबजी, फ्री फायर,
जैसा कि आपको पता होगा पबजी में डायनोमो गेमिंग मोर्टल वगैरह ये सब एंड फ्री फायर में मेरे को कोई पता ही नहीं भाई, तो अभी क्या बोलूँ। तो भाई लोग यही लोग आ सकते हैं, मतलब ऐसा मतलब इस टाइप के जैसे हैं, तो ऐसे क्रिकेट गेमिंग में भी लोग ऊपर मतलब उन ऊंचाइयों को छुएंगे गाइज यार। तो हो सकता है गाइज आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग भी ऊपर थोड़ा सा जाएँ क्रिकेट गेमिंग वाले भी, तो गाइज यार ऐसा हो सकता है। तो गाइज अगर वीडियो में पसंद है आपको नॉलेजेबल लगा वीडियो एंड अच्छा लगा तो गाइज यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।